गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एथिकल वे मींस मोरल वैल्यू का चैप्टर नंबर 4। लेट अस लर्न गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स मतलब अच्छी हैबिट्स, अच्छी आदतें जो हमें अपने अंदर लानी चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। वी शुड एक्वायर गुड हैबिट्स। हमें अपने अंदर कैसी हैबिट्स लानी चाहिए, कैसी आदतें लानी चाहिए, गुड हैबिट्स। वी शुड नॉट लर्न दोज हैबिट्स विच आर हार्मफुल। हमें वो हैबिट्स नहीं लिखने चाहिए, नहीं आनी चाहिए हमारे अंदर जो हमारे लिए हार्मफुल हो, मतलब जो हमारे लिए खतरनाक हो। सम गुड हैबिट्स, कुछ गुड हैबिट्स क्या हैं पढ़ते हैं। ऑलवेज वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। डेली हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। ओबे योर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स की, मम्मी पापा की बातें माननी चाहिए। ओबे योर टीचर्स, हमें अपने स्कूल के टीचर्स की और जो भी टीचर्स हैं हमारे सबकी हमें बात माननी चाहिए। प्रे टू गॉड एवरी डे, हमें डेली भगवान से प्रेयर करनी चाहिए। ऑलवेज हेल्प द नीडी पीपल्स, हमें हमेशा ज़रूरतमंदों की जिन्हें हमारी नीड है उनकी हेल्प करनी चाहिए। बी अटेंटिव इन द क्लास, हमें क्लास में ध्यान से पढ़ना चाहिए। फॉलो द रूल्स एट स्कूल एट होम, स्कूल में और घर में हमें सारी बातें माननी चाहिए। ऑलवेज डू द राइट थिंग्स, हमेशा सही काम करना चाहिए। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमेशा सच बोलना चाहिए। कीप योर सराउंडिंग्स नीट एंड क्लीन, हमें अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। टेक अ बाथ एवरी डे, हमें डेली नहाना चाहिए। बी कर्टियस एंड हम्बल टू ऑल, हमें सबसे प्यार से और रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। बी काइंड टू द पुअर, जो पुअर होते हैं उनकी तरफ हमें दया रखनी चाहिए, हमें उनके साथ काइंड रहना चाहिए। लव ऑल द बर्ड्स एंड एनिमल्स, हमें बर्ड्स से, चिड़ियाओं से, पक्षियों से और एनिमल्स से, जानवरों से प्यार से रहना चाहिए। नेवर फॉलो दीज बैड हैबिट्स, वो तो गुड हैबिट्स थी जो हमें फॉलो करनी चाहिए। अब ये हैं बैड हैबिट्स जो हमें अपने अंदर बिल्कुल नहीं लानी चाहिए, तो वो क्या है। नेवर टेल अ लाई, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। डोंट फाइट विद अदर्स, हमें दूसरों से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। नेवर हर्ट अदर्स, हमें दूसरों को हर्ट भी नहीं करना चाहिए, दूसरों को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। डोंट मेक अ नॉइस इन द क्लास, क्लास में हमें शोर नहीं करना चाहिए। डोंट चीट एंड स्टील, हमें किसी को चीट नहीं करना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए और चोरी कभी नहीं करनी चाहिए। नेवर प्लक फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन, गार्डन में से या पार्क में से कहीं से भी फूल नहीं तोड़ने चाहिए। डोंट टीज एनी एनिमल, किसी भी एनिमल को, किसी भी जानवर को हमें परेशान नहीं करना चाहिए। Think about it. Now let's have a thought about Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Mother Teresa, Dr. APJ Abdul Kalam. अब हम इनके बारे में देखेंगे ये कौन कौन थे। So पहला है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी led India to independence. महात्मा गांधी ने help करी थी हमारी इंडिया की आज़ादी दिलाने में, independence दिलाने में। He is known as the father of nation. उनको हम फादर ऑफ नेशन कहते हैं। फादर ऑफ नेशन कौन है? महात्मा गांधी। सेकंड, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो हमारी इंडिया के पहले मुख्य प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर। ही लव चिल्ड्रन वेरी मच, उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था और चिल्ड्रंस कॉल्ड हिम चाचा नेहरू, और बच्चे उन्हें प्यार से क्या कहते थे? चाचा नेहरू कहते थे। मदर टेरेसा, ये है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा कौन थी? मदर टेरेसा सर्व द सिक एंड पुअर चिल्ड्रन। मदर टेरेसा बीमार और गरीब बच्चों की हेल्प करती थी। शी लव्ड देम, वो उन्हें बहुत प्यार करती थी। शी वॉन द नोबेल प्राइज़, और उन्होंने नोबेल प्राइज़ भी जीता है। ये कौन है? APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इज़ द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये हमारे इंडिया के एक फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। ही लाइक्स चिल्ड्रन, वो उनको बच्चे बहुत पसंद थे। एंड टेल्स देम टू बी गुड सिटीजन, और वो सबसे कहते थे
कि आप एक अच्छे इंसान बनो, अच्छा काम करो और अच्छे इंसान बनो। दीज पीपल बिकम ग्रेट, ये ग्रेट इसलिए बने, ये बड़े इसलिए बने बिकॉज दे डिड ग्रेट थिंग, क्योंकि इन्होंने अच्छे काम किए, बहुत बड़े काम किए। दे सर्व द कंट्री, इन्होंने हमारी कंट्री के लिए बहुत सारे काम किए। यू मस्ट ऑल्सो फॉलो देयर एग्जाम्पल्स, हमें भी इनकी सिखाई हुई बातों पर चलना चाहिए एंड डेवलप ऑल गुड हैबिट्स, और अपने अंदर अच्छी आदतें लानी चाहिए। सो ये था आपका चैप्टर, लेट अस लर्न गुड हैबिट्स।